मुद्दा तीन है, मुद्दा तीन ये कि पिछड़ा आर्मी देश का प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, मजबूत आर्मी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बेटा हूँ, गांव का बच्चा हूँ, गांव में रहा हूँ, आज भी मेरे माँ पिताजी गांव में रहते हैं। मैंने ऑन द फ्लोर पार्लियामेंट में कहा, आज भी मेरे माँ पिताजी, इसलिए गांव जो है, गांव से मेरा जुड़ाव है और गांव ही मेरी आत्मा है। और गांव का जो वातावरण है, जैसे इस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ, मुझे पंखे की आवश्यकता नहीं महसूस होती। मुझे लगता है कि पंखा जो है वो ज़्यादा गर्मी देती है, ये जो पेड़ की जो छांव है ये ज़्यादा ठंड देती है, और इससे बहुत आनंद आता है। और मुझे लगता है कि यदि पृथ्वी यहीं रुक जाए, समय यहीं रुक जाए, पार्लियामेंट जाने की आवश्यकता यदि नहीं हो, लोगों को काम करने की आवश्यकता नहीं हो, तो किसी गांव में पेड़ के नीचे आप सोइए, आनंद मनाइए। आपके प्रतिद्वंदी प्रदीप यादव काफ़ी दमखम दिखा रहे हैं, कैसे मुकाबला होगा? ना कोई दम है ना कोई खम है। मैं तो कल पुड़िया हाट के उन्हीं के गांव में था, उनके पंचायत में था। सरवा में जो स्वागत हुआ आप सोच नहीं सकते, जगन्नाथपुर में जो स्वागत हुआ आप सोच नहीं सकते, देवंधा में जो स्वागत हुआ, बिरणिया में जो स्वागत हुआ, मोहानी में जो स्वागत हुआ, और स्वागत जो है उन्हीं के सारे लोग कर रहे हैं। और वो सब कह रहे हैं कि जिंदगी चला जाए, जान चला जाए, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, आपको जिताना है। और इस बार पुड़िया हाट में वो कितनी बुरी तरीके से हारेंगे अपनी विधानसभा में, आप उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे। आज ही मैं आपको बताऊं कि मुझे खबर मिली है कि जो सेंगल के नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, जो आदिवासियों के बड़े नेता हैं, वो आज मीटिंग करके खुलेआम घोषणा कर रहे हैं कि वो निशिकांत दुबे को साथ देंगे। क्योंकि जो दल पार्टी यहाँ आदिवासियों के नाम पर राजनीति करती रही, बनकट्टी की घटना के बाद आज तक आदिवासियों का सुध लेने नहीं गई है। मैं ही एक आदमी हूँ जो उनका केस जो है हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा हूँ, उनके परिवार को देख रहा हूँ। एक ज़माना ऐसा आया कि 25 जो है आदिवासी परिवार का पूरा घर गिर गया, उसका घर बनवाने के लिए कोई नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के, मैं ही गया, मैंने ही चेक दिया। तो इसीलिए आदिवासियों ने भी ये ठान रखा है कि इस बार केवल और केवल मोदी जी को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है।